गाड़ी को बनाने में हमें तकरीबन 1.5 साल लगाए। हमने पहले 8 मंथ्स में इसकी डिज़ाइन फैब्रिकेशन की और फिर उसके बाद हमने इसकी टेस्टिंग, फर्दर डिज़ाइन और मॉडिफिकेशंस के अंदर हमें तकरीबन 10 महीने और लगे हैं। तो 1.5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा इस लगा इस गाड़ी को बनाने में। इंटरनेशनल लेवल पे गाड़ियों की कुछ बातें ये होती हैं कि उनके टेक्निकल स्पॉन्सर जो होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। पाकिस्तान पे हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उस लेवल के टेक्निकल स्पॉन्सर्स अटेन करने के लिए। इस साल एक जो हमें बेहतरी हुई है हमारी स्पॉन्सरशिप के लिहाज से, वो हमारे टेस्ला हम लोगों ने स्पॉन्सर ले लिया, तो उसके पार्ट्स लगे हुए हैं। हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि दिस कार हैज़ एन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन ऑन द कॉर्नर स्टोन ऑफ टेस्ला। वो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज़ जल्द बेहतर से बेहतर हम लोग इस गाड़ी की रिलायबिलिटी और एक्सपीरियंस बना सकें इस गाड़ी का। इसकी मोटर है 68 किलोवाट जो कि 91 हॉर्स पावर होती है पीक। इसके पास 22 आवर्स ऑन अ सिंगल चार्ज ये रन कर सकती है। इसकी टोटल वेट 318 किलोग्राम्स है विद अ 75 किलोग्राम ड्राइवर। इसके व्हील बेस और व्हील ट्रैक्स 1.2 meters एंड 2 meters है रिस्पेक्टिवली। एंड इसकी जो एक्सेलरेशन है जो कि फार्मूला स्टूडेंट टीम्स की एक ख़ास खसूसियात होती है, वो 4.1 सेकंड्स में 0 to 65 माइल्स पर आ जाती है। इसको ओमनी ट्रैक पे चलाया हुआ हमने और इसको हमने अपनी यूनिवर्सिटी में रेगुलरली इसकी टेस्टिंग करते हैं और इंशाल्लाह हमने इसको यूके में सिल्वरस्टोन सर्किट पे भी चलाना है। सिल्वरस्टोन जहाँ पे एक्चुअल फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्री होती है, तो वहाँ पे भी हम लोग इंशाल्लाह इसको इस जुलाई में चलाएँगे। हमारी एक और जो उम्मीद है कि इस 6 गाड़ी को हम लोग ड्राइवरलेस कैपेबिलिटीज़ भी देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक फॉर्मूला स्टाइल व्हीकल बना लिया। अब हमारा एम है पाकिस्तान की फर्स्ट फुली ड्राइवरलेस व्हीकल बनाए, तो इंशाल्लाह हम लोगों को बस दुआ की ज़रूरत है, हम लोगों को स्पॉन्सर की ज़रूरत है, बस हम लोग कर लेंगे। हमारी टीम में एज ऑफ राइट नाउ 48 मेंबर्स हैं, बोथ फ्रॉम मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड।